जय हिंद। नमस्कार मेरे शेर श्रेणियों, लाडलो ध्यान रखना, जो भी बच्चा एसएससी जीडी का भी फिजिकल पास कर लिया, ये वीडियो आप सभी के लिए। ये गलती 90% बच्चे करते हैं और बाद में बहुत पछताते हैं। जैसे मैंने डॉक्यूमेंट के समय बताया था कि डीवी में जो भी बच्चा मिस्टेक करेगा वो बहुत रोएगा। जिस दिन डीवी होगा ना उस दिन देख लेना अगर मेरी एक एक बात सच नहीं हो जाएगी। बहुत सारे बच्चों ने अभी भी अपना डोमिसाइल नहीं बनाया है, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनाया है। जब डीवी में जाओगे ना तब वहां नोटिफिकेशन की फोटोकॉपी आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लो। उसमें लिखा हुआ है कि जिस डेट से आप अप्लाई करोगे उससे पहले का आपके पास में ये डॉक्यूमेंट सही है। बहुत सारे लोग अभी भी नहीं बना रहे। अभी प्रेजेंट टाइम में जैसे राजस्थान में कई जगह हड़तालें चल रही है, बन नहीं रहे हैं। अगर मान के चलिए इस समय अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साथ में हो जाता फिजिकल के समय, तो रोते घुटनों में आंसू मुंह डाल के, और वही गलती आप भी करोगे। ध्यान रखना, जो भी बच्चा अभी प्रेजेंट टाइम में फिजिकल पास कर लिया, मेडिकल के समय आपको ये गलती कतई नहीं करनी है। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, बहुत सारे बच्चे रोए थे पिछली बार गेट के बाहर आके, आप भी रोओगे, तुरंत बाहर कर देंगे। विशेष करके डॉक्यूमेंट्स तो आप सबने जिसने नहीं बनाए अभी भी बना लो। मैं ये तो नहीं बोलता कि उनको वैलिड मान लेंगे या नहीं मानेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ था कि एक जो आपकी फॉर्म अप्लाई डेट है उससे पहले के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं, सर हमने नहीं बनाए थे, अब बना ले क्या? अब तो बना लो, इसके अलावा कोई उपाय भी नहीं है, तो वो तो बना लो। प्रॉब्लम ये है कि अब जब आपका मेडिकल होगा, पिछली बार जो मेडिकल हुआ था एसएससी जीडी का, या इस बार एसएससी जीडी का जो मेडिकल होगा ना लाड लो, ध्यान रखना आपको किसी भी कंडीशन में रीमेडिकल के लिए मैक्सिमम जो समय मिलेगा ना वो होगा 12 घंटे का। क्योंकि रात में तो आप क्या कर लोगे, यानी आज सुबह मेडिकल और शाम को रीमेडिकल होगा आपका, यानी कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते आप अपने शरीर में या किसी भी चीज में। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि प्री मेडिकल जो भी बच्चा पहले करा लेगा वो हमेशा फायदे में रहेगा। अगर आप प्री मेडिकल करा लेते हैं आपको कोई लाख रुपए नहीं लगते हैं। प्री मेडिकल का जो हमारे यहाँ चार्ज है वो मात्र 4000 रुपए है। उसमें यह है कि बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं सर 4000 बहुत बड़ा चार्ज है। अरे आपकी जांचें होती है उनका पैसा है, हमारी तरफ से उसमें कोई भी इंक्लूड नहीं है चार्ज। सारे के सारे आपकी जांचें होती है, क्योंकि एसएससी जीडी में आपका अक्षर अलग होता है, सीबीसी जांच अलग होती है, ब्लड की कम से कम 10-12 जांच है, यूरिन की 2-3 जांच है, अक्षरा, ये सारी चीजों की जांचें, ईसीजी पीसीजी, ये सब होते हैं, इनके खर्च है। लेकिन उसका फायदा ये है कि अगर आपके कहीं पे भी शरीर में कोई भी प्रॉब्लम है उसको आप दूर कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलता आप हमारे से कराओ प्री मेडिकल या हमारे अकेडमी आओ, कहीं पे भी आपको प्री मेडिकल कराना, लेकिन प्री मेडिकल टेस्ट बहुत जरूरी हो गया है, वो करा लेना। अगर आप रनिंग पास कर लिए आपके नंबर अच्छे हैं, मेडिकल के जो कट ऑफ है अगर आपके नंबर लगते हैं कि उसमें आराम से आप मेडिकल के लिए क्वालिफाई होंगे, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। क्यों जरूरी है? क्योंकि पिछली बार एसएससी जीडी ने क्या किया था, जैसे जिन बच्चों का सुबह मेडिकल था उनको शाम को वापस रीमेडिकल कर लिया था। तो आप सोचिए कि 8-9 घंटे में कोई क्या कर लेगा। अगर मान लीजिए आपके आईज का लेजर ऑपरेशन होना है, आपकी आंख 6x6 नहीं है, आपकी एक आंख 6x9 है या 6x12 है, तो फिर आप उसको चेंज कर लोगे। आपके कान के पर्दे में कोई प्रॉब्लम है या आपके शरीर में किसी वेरिकोज की प्रॉब्लम हो रखी है या किसी भी प्रकार की जो भी समस्या हो रखी है, उसको आप वहां कैंप से बाहर नहीं जाके कैसे ठीक करा लोगे? अगर आपको अभी से पता चल जाएगा तो अभी आपके पास में 2 महीने का समय है, 2 माह का समय है। आप सोचिए 2 महीना कम नहीं होता। अगर आप कोई छोटा बड़ा जो भी ऑपरेशन कराना है वो भी करा सकते हो। कई बच्चों जैसे टैटू बना रखे हाथ में, कई उन्हें अलग अलग प्रकार की समस्याएं, कईयों की फुंसी हो रखी है, कईयों के धब्बे हो रखे। अब बहुत सारे बच्चे हमको फोटो भी भेजते हैं, लेकिन बेटा फोटो देख देख के हम उसकी रिप्लाई नहीं कर पाएंगे आपको, कि फोटो देख के तो हम कितने की रिप्लाई कर देंगे। अभी भी आपके पास में 2 माह का समय है। अगर आप इस समय मेडिकल, मैं ये नहीं बोलता आप हमारे से कराओ, अगर आपके वहां पर कोई और भी मेडिकल की सुविधा तो वहां से मेडिकल कराइए, लेकिन प्री मेडिकल पहले करा लीजिए ताकि आपकी जो भी समस्या है वो दूर कर सको, नहीं तो बहुत रोओगे। ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि उस समय फिर कुछ चेंज नहीं कर पाओगे। लड़कियों में जो सबसे ज्यादा पॉइंट मिलते हैं वो मिलते हैं हीमोग्लोबिन में। आपको बता देता हूं, सबसे ज्यादा हीमोग्लोबिन की कमी के कारण अभी कोई भी लड़की अपना ब्लड चेक कराएगी ना, उसका जो रेशियो उसमें माइनस में दिखाएगा, देख लेना। और आपकी भी चेकिंग होगी ना तब पता चलेगा, अच्छे से अच्छा दिखने वाले लड़के में ब्लड आता 8 पॉइंट। इसी चीज हृदय की बहुत धड़कने बड़ी हुई रहती है, एक बार मेडिकल करा लेने से आपको वो घबराहट दूर हो जाती है। कईयों की बीपी हाई हो जाती है, हमने देखा जैसे भी प्री मेडिकल में जो बच्चे आ रहे थे उनका देखा था, ईसीजी करते समय इतना मतलब घबरा जाते हैं जिसकी हद नहीं है। तो एक तो आपको ये फायदा होगा कि आपको पहले से पता रहेगा कि आपके शरीर में क्या कमी है क्या नहीं है, अगर कोई कमी है तो उसको कैसे आप छुपा सकते हो, कैसे दूर कर सकते हो, या उसका क्या इलाज कर सकते हो। ये अभी समय है आपके पास में, बाद में मौका नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखना, जो भी बच्चा है ये गलती मत करना, आपको एसएससी जीडी में रीमेडिकल का बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा, ठीक है? रीमेडिकल के लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा। जिस दिन आपका मेडिकल होगा उसी दिन रीमेडिकल होगा, और बाद में आपका कोई भी जेग जुगाड़ काम में
नहीं आएगा। आपको बाहर से बहुत सारे लोग भ्रम भी फैलाते होंगे कि नहीं जी हमारा तो जुगाड़ है मेडिकल में, कुछ काम में नहीं आएगा, जुगाड़ है। ठीक है, अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो पहले से ही तैयार रहिए पूर्ण रूप से, तो ही आपको फायदा होगा। इस बात को ध्यान से सुन लेना, मैं ये नहीं बोलता आप हमारी एकेडमी आके प्री मेडिकल कराइए। आपको जो भी नजदीक किसी सेंटर पे प्री मेडिकल होता है वहां करा लीजिए, या कोई भी आपको नॉलेजेबल इंसान है जिनको लगता है कि वो उनको नॉलेज इस चीज के बारे में, उनसे करा लीजिए। लेकिन एक बार अपने शरीर की जांच जरूर करा लीजिए ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े, नहीं तो फिर बाद में रोओगे और मेरे को याद करोगे, ये गारंटी है मेरी। जय हिंद, जय भारत।